दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में बुधवार को विद्या परिषद की बैठक आयोजित की गई। विद्या परिषद की बैठक कुलपति वी के सिंह की अध्यक्षता में हुई। मुख्य बिंदुओं के प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न संकाय परिषदों की बैठक की संस्तुतियों पर मुहर लगाई गई। इस विद्या परिषद में विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS पाठ्यक्रम लागू किए जाने हेतु अधिष्ठाता कला संकाय के संयोजक तत्व के सभी अधिष्ठाताओं की गठित समिति द्वारा प्रस्तुत CBCS अध्यादेश पर विचार किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आगामी सत्र में विश्वविद्यालय में CBS पद्धति में से पढ़ाई के लिए विद्या परिषद ने अपनी अंतिम मुहर लगाई। बैठक में कुलपति वी के सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय के अधिष्ठातागण प्रोफेसर हरिशरण, प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र, प्रोफेसर CP श्रीवास्तव, प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, प्रोफेसर राजवंत राव सहित विश्वविद्यालय के आचार्यगण एवं कुलसचिव उपस्थित रहे। इस अवसर पर गोरखपुन्नी से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, विद्या परिषद की बैठक बुलाई गई थी
इसमें इस विश्वविद्यालय में चॉइस बेड क्रेडिट सिस्टम लागू करने की योजना पर विचार किया गया। पिछले 4-5 महीनों से इस पर लगातार काम हो रहे थे। सारी फैकल्टीज़ ने इस पर बैठ के नियमावली बना ली थी और नियमावली बनाने के बाद आज उस पर विचार विमर्श हुआ और सर्वसम्मति से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सभी फैकल्टीज़ ने पास कर दिया है और सभी विभागों में इसी सत्र से लागू हो जाएगा, क्योंकि हम शीघ्र ही नैक की विजिट कराने वाले हैं। नैक से एक्रेडिटेशन इस विश्वविद्यालय में 2005 के बाद से लंबित है, नहीं हो पाया। 2010 में उसका पीरियड समाप्त हो गया है, हम काफ़ी लंबा गैप हो गया है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिसमें पहला मुख्य बिंदु होता है कि हम मॉडर्न जो एग्जामिनेशन बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है वो अपने विश्वविद्यालय में लागू किए हैं कि नहीं। और आजकल यूजीसी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, सबका इस बात पे जोर रहता है कि हम जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लाएँ। इस सिस्टम में बच्चों के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चा जो है सब्जेक्ट में अगर चेंज कर सकता है, दूसरे विभागों के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुमुखी होगा, ऐसी मेरी आशा है। इस क्रेडिट सिस्टम को हर समिति ने सभी ने पास कर दिया।